नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। उत्तर प्रदेश की सियासत को हिला कर रख देने वाले सोनभद्र नरसंहार ने वन भूमि कब्जा करने के दशकों पुराने खेल का राज खोल दिया है। तत्कालीन मुख्य वन संरक्षण ए के जैन ने वर्ष 2014 में भेजी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि किस तरह 1,00,000 हेक्टेयर से ज्यादा वन भूमि पर अपर अधिकारियों, नेताओं और दबंगों ने सुनियोजित ढंग से कब्जा जमा लिया है। रिपोर्ट में कहा गया था कि इस भूमि की कीमत 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, लेकिन इस रिपोर्ट पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब इस नरसंहार के बाद योगी सरकार ने इस रिपोर्ट की जांच शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि जांच के बाद कई अफसरों और नेताओं पर गाज गिर सकती है। तत्कालीन मुख्य वन संरक्षण ए के जैन ने 29 मार्च 2014 को 70 पेज की रिपोर्ट शासन को भेजी थी। वर्ष 2014 में वह सोनभद्र में मुख्य वन संरक्षण के तौर पर तैनात थे। उन्होंने जिला में वन विभाग की जमीनों पर अवैध कब्जों की रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें जिले के करीब 1000 हेक्टेयर जमीन पर भूमाफियों का कब्जा बताया था। रिपोर्ट में उन्होंने खुलासा किया था कि विभागीय अधिकारी और शासन स्तर पर बैठे नौकरशाह भी इस घोटाले में शामिल है। जैन ने रिपोर्ट में सीबीआई जांच की भी मांग की थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया था कि वन भूमि को गैर वन भूमि में बदलना वन संरक्षण अधिनियम की अवहेलना है। रिपोर्ट में कहा गया था कि यह जमीन आदिवासियों की है, वो इस पर पुश्तैनी खेतीबाड़ी करते हैं। जमीन का मालिकाना हक सरकार के पास है। कुछ नौकरशाहों ने इस जमीनों को निजी हाथों में सौंप दिया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।